बात करते हैं आजकल की पांच बड़ी मूवीज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली और बड़ी खबर फिल्म सालार को लेकर है। तो अब एसआरके की फिल्म डंकी को टक्कर देने के लिए सालार के मेकर्स ने एक कमाल का प्लान बना दिया है। कहा जा रहा है कि अब जल्द हमें सालार से एक टीजर, एक सॉन्ग और छैसर फिल्म के नए पोस्टर भी देखने को मिलेंगे। और मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि मेकर्स की ये वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फैंस को जरूर पसंद आएगी और फिल्म की हाइप भी जरूर बनेगी। साथ ही सालार का ट्रेलर कब तक आएगा इस बारे में अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है, मगर इतना है कि फिल्म रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा। दूसरी अपडेट इंडियन 2 को लेकर है। तो कल कमल हसन की आने वाली पैन इंडिया फिल्म इंडियन 2 का एक इंट्रो वीडियो मेकर्स ने रिलीज करा, जिसमें ज्यादा कुछ फिल्म से रिलेटेड तो नहीं था, मगर कमल हसन का लुक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जहां तक मुझे लगता है कि ये फिल्म करप्शन के ऊपर होने वाली है। फिल्म की रिलीज डेट तो अभी अनाउंस नहीं करी गई है, मगर ये मूवी हमें अगले साल सर्दियों में देखने को मिल सकती है। तीसरी अपडेट जवान 2 को लेकर है। हाल ही में डंकी के प्रमोशन के दौरान एसआरके से मीडिया द्वारा जवान 2 को लेकर एक सवाल पूछा गया कि आप जवान 2 को कब तक बड़े पर्दे पर लाओगे। तो फिर शाहरुख खान का कहना था कि चाहे तो वो डायरेक्टर एटली कुमार के साथ मिलकर पार्ट 2 का शूट अगले साल से शुरू कर सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं करेंगे। और उनका कहना था कि जब तक हम एक अच्छी कहानी नहीं सोच लेते, तब तक हम पार्ट 2 नहीं बनाएंगे। चौथी अपडेट लाहौर 1947 को लेकर है। तो हाल ही में सनी देओल ने कॉफी विद करण में ये कंफर्म किया है कि वो आमिर खान के साथ लाहौर 1947 फिल्म में काम करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि गदर 2 की सक्सेस पार्टी में आमिर मेरे पास इस मूवी की बात को लेकर आए थे, फिर कुछ दिनों के बाद हम दोबारा से मिले और अब हम इस फिल्म को बड़े पर्दे पर फैंस के लिए बनाने को तैयार हो गए हैं और अगले साल से ही इस मूवी पर काम शुरू करा जा सकता है। और बात करें पांचवी अपडेट के बारे में, तो विक्की कौशल ने अपनी आने वाली माइथोलॉजी का ड्रामा फिल्म छावा की शूटिंग हाल ही में स्टार्ट कर दी है। आपको बता दूं कि इस मूवी में विक्की के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएगी और हाल ही में विक्की कौशल बड़े बड़े बाल और दाढ़ी के साथ भी देखे गए हैं, जो उनका इस मूवी में लुक भी होने वाला है। आपको बता दूं कि इस मूवी को डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर बनाने वाले हैं।